हमारी मातृभाषा है जिसे बोलने सुनने के लिए अब दुनिया भर के मुल्कों में होड़ लगी है। एक मुल्क है रोमानिया, जहां छात्र एक विश्वविद्यालय में बाकायदा हिंदी सीख रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार की महिला बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा राज जब रोमानिया गई तो इस सच्चाई से उन्हें रूबरू होने का मौका मिला। कृष्णा राज का कहना है कि ये कमाल हुआ है पीएम मोदी के कारण, जो खूबसूरती से हिंदी बोलते हैं। रोमानिया और भारत के रिश्ते तकरीबन 65 साल पुराने हैं और इस रिश्ते को परवान चढ़ाने की कोशिश समय समय पर होती रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारत सरकार की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा राज ने रोमानिया का दौरा किया। दौरे के क्रम में ये पता चला कि रोमानियन लोगों की दिलचस्पी भारतीय संस्कृति, वेशभूषा और भाषा को अपनाने को लेकर बहुत ज्यादा है। साथ ही रोमानियन छात्र इन दिनों हिंदी सीखने में मशरूफ हैं। जब रोमानिया के इंडिया हाउस में कृष्णा राज को रोमानियन छात्रों ने हिंदी में गाने सुनाए तो मंत्री जी अभिभूत हो गई। उन्होंने हमको एक सॉन्ग सुनाया, यादों की बारात निकली आदिल के द्वारे। दूतावास में गई तो वहाँ पर भी मुझे एक रोमानियन लड़की मिली जिसने बहुत ही पुराना गाना गाया, और मैं देख के उसकी आवाज़ सुन के और उसका अंदाज देख करके मुझे ऐसा लगा कि भारत पूरी तरह से अपना स्थान पूर्वी की तरह ही बनाता जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। कृष्णा राज कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी को सम्मान दिलाया है। पीएम मोदी जिस अंदाज में हिंदी बोलते हैं उसे दुनिया भर में सर्वाधिक सुना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार भारत में पूरी तरह से हिंदी को अपनाया जाए का संदेश दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भारत में भी बहुत सारे लोगों ने जो अपनी भारतीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको अपनाना शुरू किया। सिर्फ भारत ही नहीं, हमने ये संदेश जो है रोमानिया जैसे देश में भी देखा। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। रोमानिया के बुकारेस्ट विश्वविद्यालय में बाकायदा हिंदी सिखलाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 40 छात्र तालीम पाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमानिया में हिंदी है ना हैरान कर देने वाली बात, लेकिन ये हकीकत है। ये इस बात के प्रमाण है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के मुल्कों में हिंदी का अलख कितनी तेजी से जगाया जा रहा है। कैमरामैन आदित्य के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।